नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFZ में। दोस्तों, राज्यसभा में आज विपक्ष के लीडर खड़गे ने मोदी सरकार के लिए खुद ही विपक्ष में खड़े होकर भी 400 पार का नारा लगाया। जी हां, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। इस बात पर नरेंद्र मोदी जी गदगद होकर खिलखिलाकर हंस पड़े थे। दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, कैसे विपक्षों के अंदर भी ये बात अब बैठ गई है कि इस बार मोदी सरकार की 400 के पार सीटें आएंगी। तो दोस्तों देखिए ये जबरदस्त और मजेदार वीडियो। मत है अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। फिर आपका क्या होगा? अरे 400 तुम चुन के आओ। सर मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो, पहले इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजा रहे। ये मोदी के कृपा से आए तो तालियां बजा रहे। ठीक है, हम देखो MLA लड़े, MP लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में आए। यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं, और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब बचाना। लीडर ऐसा लोग माने खड़गे जी ने आज वाकई में सत्य कहा, और सत्य के अलावा कुछ से कहा उसको प्रूफ कर दिया। आई थिंक नेवर अ लीडर ऑफ अपोजिशन हैज बीन सो अपलोडेड, इट्स अ रिकॉर्ड। आपके बयान की इतनी तारीफ की जा रही है। देखो मेरी बहन की तारीफ नहीं, मैं वो भी समझता हूँ। तो यानी अपने आप को ढोल बजा रहे 400 आएंगे पान। भाई आपके आने हैं, आपके आने हैं तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? अब आप इस बार 100 भी पार नहीं कर सकेंगे, 100 भी। इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया स्ट्रांग है। और फिर बोलो इंडिया कमजोर है। सर मैं आपको पूछता हूँ, इंडिया कमजोर है? तो ये इंडिया कमजोर है, ये हर बात को क्यों काउंट करना? आई डोंट लाइक दिस। रोज ऐसे साथी इंडिया अलायंस का तो छोड़ के जा रहे हैं। मुझे पता नहीं है इंडिया अलायंस अभी है या नहीं है, किस रूप में, कौन है, जरा वो भी बताएं। चाहते हैं, लेकिन मुझे मालूम है मोदी साहब जब प्रेजेंट रहते हैं एक के ऊपर एक गिर के मदद करते हैं, तालियां बजाते हैं, ढोल बजा। मैं मानता हूं उसको, इसीलिए मैं तो, मेरे को आदत है, प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, मैं एक बार हाउस में आता हूँ, बैठे रहता हूँ, सबकी बात सुनने। इस बार ही थोड़ा कम बैठा, लेकिन ऑलवेज मैं हाउस में, जब तक पार्लियामेंट में था तब तक भी बैठता था, अभी भी। लेकिन इन्हों जो उठते हैं, लेकिन नहीं तो उनके कुछ एक स्टिकर लगा उनके खुद जी को, बार बार उठते रहते हैं, स्प्रिंग या तो स्प्रिंग की कुर्सी दे दो। मेरी समस्या हो जाएगी, मुझे कईयों के लगानी पड़ेगी। नहीं नहीं, कई मेरी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कई कई, ये एक एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद देखेंगे। प्लीज तो जान दो, देखिए ये जो वुमन रिजर्वेशन है इसको भी लाने के लिए आप डर गए। क्यों डर गए अब मुझे मालूम है, क्योंकि आप नीति ही ऐसी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको ही देना हो, महिलाओं को भी नहीं। महिला शूद्र ये एक ही है, महिला और शूद्र एक ही है। तो इसका तुलसीदास का कहना, नर नारी ये सब कानून के ऊपर। खड़गे जी सर, दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। नहीं साहब, ये मेरे नहीं, नर नारी ये सब कानून के ऊपर नहीं बोला। वन सेकंड लीडर ऑफ द हाउस। सर हमने बहुत टॉलरेट किया, ये बार बार भारत के अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, और यहाँ का
कि इनकी शब्दावली भी ठीक नहीं है, फिर भी हमने टॉलरेट किया। ये अछूत जैसा शब्द जब इन्होंने इस्तेमाल किया, हमें लगा कि हम अभी डिस्टर्ब ना करें, लेकिन ये बार बार इस प्रकार के बयान देखे, फिर वही मानसिकता दिखा रहे जिसका सुबह भी चर्चा हुई। इनकी डिविसिव टेंडेंसीज, जिस प्रकार से समाज को बांटना चाहते, देश को बांटना चाहते, ये बार बार इसका जाहिर करते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।